सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। सो गॉड्स ओन कंट्री में ये मेरा आखिरी वीडियो होगा। यस, तो इस वीडियो को खत्म करते अच्छे वाइब से मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ पे स्टैचू ऑफ शिवा इतना सुपर्ब है कि आप देखते ही आपको इतना मजा आ जाएगा। सो हम आ चुके हैं अजीमला टेम्पल में, जो कि है कोवलम बीच से एक 10 से 15 मिनट दूर। और केरला के हर एक टेम्पल एक यूनिक इटसेल्फ होता है, आप मतलब देख लो तो आपको मजा आ जाए। सो चलिए चलते हैं अंदर, एंटर करते हैं। सो आप जैसे टेम्पल के अंदर आओगे आपको सबसे पहला नज़ारा ये देखने मिलेगा। इतनी प्यारी शिवा मूर्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये एक 58 फीट लंबी मूर्ति है जिसे यहाँ के एक आर्टिस्ट ने बनाया, जिसका नाम है PS देवादत्तन ने, जो कि अजीमला के ही रहने वाले हैं। सो इन्होंने ये बनाने में करीबन 6 साल लग गए। ये करीबन 2014 में इनकी स्टार्ट किया था ये मूर्ति बनाना, जो कि 2020 में कंप्लीट हुआ है। और ये वन ऑफ द टॉलेस्ट स्कल्पचर्स है इन द होल ऑफ केरला, शिवा मूर्ति जी। सो ये बहुत ही स्पेशल इसके लिए क्योंकि इसका लोकेशन भी इतना प्यारा है कि पीछे ही आप देखोगे बैकग्राउंड में तो ये इतना शानदार बीच है और इसके आगे ये शिवा स्टैचू है, मूर्ति है। सो ये इतना प्यारा लगेगा, आई विल जस्ट रिकमेंड 10 on 10 आओ कोवलम बीच एक्सप्लोर करो तो यहाँ पे भी जरूर जरूर आना। और इसके स्कल्पचर को आप एकदम पास से देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये इतना प्यारा काम किया हुआ है। आप एक एक नशे दिखेगी हाथ में, त्रिशूल, तो हर एक चीज डिटेलिंग में की हुई है और आपको डिटेलिंग साफ साफ नजर आएगी अगर आप पास से देखो। सो ये था अजीमला टेम्पल, आप जरूर आइएगा, ये एक्सपीरियंस करना आपको बहुत ही मतलब इट इज लाइक मैंडेटरी अगर आप ट्रेन में आते हैं यहाँ पर बाय अजीमला टेम्पल से आपको। फाइनली केम आउट ऑफ दिस टेम्पल, सुपर, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपने वीडियो देख लिया होगा। सो डू कम हियर अगर आप कोवलम बीच आते हो, बीच एक्सप्लोर करते हो। इट इज़ फेमस बट ज़्यादा फेमस नहीं है, हिडन जेम है। सो यू कैन कम हियर, सिर्फ हार्डली बीच से आई थिंक 8-10 किलोमीटर का रास्ता है। सो डू कम हियर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।